हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, मेरा नाम है प्रिंस, तो आप देख रहे हैं टेक्नोब्लॉगर चैनल। तो फ्रेंड, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ काइनमास्टर के बारे में। तो फ्रेंड, इस काइनमास्टर के बारे में बात करने वाला हूँ कि आप काइनमास्टर में कैसे वीडियो बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आप सबसे पहले इस वीडियो में आपको कंसेप्ट कर दूंगा कि अपने काइनमास्टर में वीडियो कैसे लेते हैं, फ़ोटो कैसे लेते हैं, इफेक्ट कैसे लगाते हैं और ओवरले कैसे लगाते हैं, और टेक्स्ट टाइटल और हैंड राइटिंग, और वीडियो में सॉन्ग या म्यूज़िक वॉइस अपना खुद का कहाँ से लगाते हैं। तो फ्रेंड, अगर अभी तक काइनमास्टर डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप मेरे इस आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को वॉच कर सकते हैं और काइनमास्टर डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड, इस वीडियो में बताऊँ कि अपने काइनमास्टर में कैसे हर इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड, लेट्स गो। तो सबसे पहले आपको कैनमास्टर ओपन करने के बाद सब कुछ इस तरह देखेगा। इसके बाद से आपको प्लस वाले पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से फ्रेंड आपको देखेगा 16.9 का रेशियो, यहाँ पे 9.16 का रेशियो, यहाँ पे 1.1 का रेशियो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वीडियो शूट होता है, यहाँ पे स्टेटस लगता है, टिकटॉक वाले यहाँ पे जो व्हाट्सअप का स्टेटस लगता है वो यहाँ बनता है। सबसे पहले हम 16:9 का रेशियो ले लिए। उसके बाद से फ्रेंड आपको आ जाना है, देख रहे हैं यहाँ पे मीडिया का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से फ्रेंड सबसे पहले आपको फ़ोटो और वीडियो यहाँ से आप लगा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से, कोई परेशानी नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ फ्रेंड, और इसको यहाँ इस राइट साइड में जैसे ही स्क्रॉल करेंगे आप बड़ा हो जाएगा। उसके बाद फिर मीडिया पर उसी पर क्लिक करके आपको एक वीडियो ले लेना है। तो फ्रेंड यहीं से आपको वीडियो और फ़ोटो दोनों ही ले सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। अब बात आती है फ्रेंड लेयर की। तो फ्रेंड इस वीडियो को मैं ऐसे छोड़ देता हूँ। उसके बाद से आपको आ जाना है यहाँ जो लेयर दिख रही है फ्रेंड, लेयर में बहुत सारे यहाँ दिया है, मीडिया का और इफेक्ट का, और यहाँ पे ओवरले का भी और टेक्स्ट का भी और हैंड राइटिंग का भी दिया है। तो सिंपली फ्रेंड सबको मैं पारंपरिक तरीके से बारी बारी से बताऊँगा। सबसे पहले आपको आ जाना है मीडिया पर। उसके बाद से फ्रेंड यहाँ से आप वीडियो और फ़ोटो भी ले सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले मैं फ़ोटो ले लेता हूँ। तो देखिए मैं फ़ोटो यहाँ से ले लिया। उसके बाद इसको चाहे तो बड़ा कर सकते हैं, लास्ट तक रख सकते हैं, या छोटा जहाँ लगाना चाहें आप उसको वहाँ उठा कर लगा सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद फिर आते हैं लेयर, फिर मीडिया पे। तो फ्रेंड अब मैं लेंगे वीडियो को। तो चलिए मैं कोई सा वीडियो में ले लेता हूँ। तो सिंपली फ्रेंड मैं ये वाली वीडियो ले लिए, देखिए वीडियो ले लिए। तो इसको मैं इसको चाहे वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, बस 15-10 सेकेंड का है, इसको मैं करके यहाँ पे क्लिक करूँगा और उसके बाद से वीडियो यहाँ लग जाएगा। इस वीडियो को आप चाहें तो छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद से लेयर बनने के बाद से आपको देख रहा है इफेक्ट, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद से ये सब डाउनलोड करने के लिए मैं फर्स्ट वीडियो में बता दिया हूँ, इसका वीडियो आई बटन मिल जाएगा और इसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं मेरा फर्स्ट वाला वीडियो। तो मैं ले लेता हूँ ऑटो HDR में। तो फ्रेंड देखिए, और जो HDR से फ़ायदा हुआ कि आपको जो लाइटिंग है बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल तरीके से दिखता है। जो आप जैसे कि आप मेरे फेस को देख लीजिए, जैसे कि जैसे जैसे मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ फेस को, एरो का चिन्ह आपको दिख रहा है कितना ग्लो फेस हो जा रहा है, पूरा HDR तरह कर सकते हैं इसको। तो आप इसमें बहुत हर वीडियो में इसका यूज़ करते हैं। अब आते हैं ओवरले पे। ओवरले पे फ्रेंड यहाँ पे इफेक्ट वगैरह जो भी आप देखते हैं, कॉपीराइट या वॉइस का या चैनल का लोगों का देखते हैं, यह सब यहीं से लगाया जाता है। और इमेज भी लगाया जाता है लेयर के, जैसे फर्स्ट वाले में बताया, तो जो मीडिया के ऑप्शन पे जाके वहाँ से भी आप लोगो लगा सकते हैं। तो इस सब का वीडियो मैं नेक्स्ट में बताऊंगा, तब तक के लिए मैं बता देता हूँ कि कौन कहाँ से लगता है। तो इस देखिए फ्रेंड, मेरा वीडियो प्ले किया तो चल रहा है, इसको चाहे तो आप छोटा बड़ा करके कहीं भी लगा सकते हैं। और बात आती है कि टेक्स्ट कैसे यूज़ करते हैं। तो सिंपली फ्रेंड आपको, जैसे कि मैं अपना चैनल का नाम लिख लेता हूँ टेक्नो ब्लॉगर, तो मैं आप यहाँ पे अपना चैनल का नाम लिख लिया। उसके बाद से आपको ओके पर क्लिक करिएगा। तो जैसे ही आपका यह आपका नाम आ जाएगा, इसको छोटा बड़ा जो भी है आप जहाँ भी चाहें उसको वहाँ लगा सकते हैं, और इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सब का यहाँ से जब इसे आप क्लिक करिएगा तो यहाँ से फ़ॉन्ट लगा सकते हैं। इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको, पूरा कंसेप्ट बताऊँगा एकदम अच्छी तरीके से। उसके बाद से मैं बात करने वाला हूँ हैंड राइटिंग का। तो हैंड राइटिंग क्या होता है फ्रेंड, कि जो आप देख रहे हैं जैसे मैं एरो का चिन्ह जो वीडियो में शुरू से देखते आ रहे हैं, यहीं से मैं सब लगाया हूँ एरो का चिन्ह, और जो राउंड राउंड जो दिखा रहा है सब यहीं से मैं लगाया हूँ। तो ऐसे करके आप
इससे इसका यूज कर सकते हैं। किसी को कोई चीज़ को दर्शाना हो तो आप एरो का चिन्ह यहाँ से लेकर लगा सकते हैं, इसको घसकाए और राइट कर लेफ्ट करके अपने हिसाब से जहाँ भी करके आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अब बात आती है फ्रेंड की म्यूज़िक वीडियो म्यूज़िक कहाँ से लगता है, तो यहीं से फ्रेंड वीडियो को म्यूज़िक लगती है। तो सबसे पहले मैं बहुत सारे गाना पे आ गया, तो यहाँ इस प्लस पे क्लिक करेगा तो आपको ये गाना ऐड हो जाएगा यहाँ पे। सिंपली फ्रेंड ये गाना ये ऐड हो गया, देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से मैं गानों को सुना नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट भी आ सकता है। उसके बाद ये बात आती है वॉइस रिकॉर्डिंग का, तो यहाँ क्लिक करिएगा तो आपका वॉइस रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा। क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इसलिए ये वॉइस इनेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि जब आप स्क्रीन रिकॉर्ड करिएगा तो आपको ये वॉइस इनेबल नहीं होगा कैनमास्टर में का। अगर आपका जो एप्लीकेशन रिकॉर्ड कर रहा है उस साइड से होगा बट कैनमास्टर में नहीं होगा। तो देखिए मैं वीडियो को पुश करके ये रिकॉर्ड किया हूँ तो इसको मैं सुना नहीं सकता अभी क्योंकि मैं घर में था, बहुत सारा हल्ला हो रहा था। और यहाँ पे आती है बात फ़ोटो की, यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ से आप केवल फ़ोटो खींच सकते हो। तो चलिए मैं अपना कैमरा ओपन कर लेता हूँ, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद से अलाउ कर देना है आपको। तो देखिए मेरा ये कैमरा खुल गया, मैं अभी घर में हूँ, तो ये मेरा बेड का चादर है वही है। तो इसके बाद से फ्रेंड फिर बीच पे क्लिक करके आपको राइट जब क्लिक कीजिएगा तो आपका वीडियो स्टार्ट होगा। बात आती है फ्रेंड वीडियो की फ्रेम रेट, यहाँ से आप वीडियो का क्वालिटी भी चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे साइज दिया है वीडियो को, जो भी जिस क्वालिटी में चाहें आप यहाँ से सेव कर सकते हैं, जिस फ्रेम रेट में चाहें आप यहाँ से फ्रेम रेट को अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। जैसे ही आप रेट पर क्लिक करिएगा तो आपको वीडियो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए ये स्क्रीन रिकॉर्डर करने वक्त यह वर्क नहीं करेगा। उसके बाद से फ्रेंड ये सब बटन को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर घंटी को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। और ये सब फ्रेंड इस वीडियो के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा हर एक चीज़ के बारे में। तब तक लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तो जुड़े रहिए अपने टेक्नो ब्लॉगर के साथ। जय हिंद जय भारत।